इन्वर्टर कई प्रोसेस में हम बना ही लेते हैं, बट एक ऐसा इन्वर्टर जो बहुत ही कम एम्पेयर लोड लेते हैं और उसके साथ साथ वाट भी कुछ ज़्यादा मिल जाए, छोटा सा सर्किट हो जिसमें ट्रांसफार्मर भी ज़्यादा बीक लगाने की ज़रूरत है नहीं, उसके साथ साथ अगर मॉस्फेट बिल्कुल हिट ना हो तो बात बन जाए। आज आप कुछ ऐसा इन्वर्टर देखने वाले हो। प्योर साइन वेव इन्वर्टर तो ये है नहीं, मगर इसका आउटपुट बिल्कुल साइन वेव है जो बिल्कुल 50 हर्ट्ज़ सिग्नल में ऑपरेट होगा। कैसे इसको बनाना है, ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर ये इन्वर्टर बोर्ड देखकर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आइए आपका कन्फ्यूजन दूर करके इसे आसान बनाते हैं एक सिंपल डायग्राम बना के। पहले स्टेज में CD4047 IC 50 हर्ट्ज सिग्नल क्रिएट करते हैं, जो सिग्नल Z44 MOSFET से एम्पलीफाई हो रहा है। उस सिग्नल को फिल्टर कर रहा है AC फिल्टर, जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करके मेन कॉइल में 50 हर्ट्ज PWM सिग्नल दे रहे हैं, और इस ट्रांसफॉर्मर से फाइनली AC आउट हो रहा है। प्योर साइन वेव तो ये है नहीं, प्योर साइन वेव सीक्वेंस कुछ इस तरह होते हैं, पर मेरे बनाए हुए इन्वर्टर सीक्वेंस कुछ इस तरह है। ये है वो डायग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कॉइल में 30 SWG के 400 ट्रॉन है, इसको मैं इलेक्ट्रिक टेप से कवर कर दूंगा। उसके बाद 27 SWG कॉपर वायर से 50 ट्रॉन देना है, उसके बाद और 50 ट्रॉन, देन टेप से इसको कवर कर देंगे और फाइनल में इसको आयरन कोर लगा देंगे। आप इसमें सॉफ्ट कोर से भी बना सकते हो। इसके बाद भेरो बोर्ड में इसको बिठा देंगे जो AC क्रिएट करने वाला है, उसके बाद AC फिल्टर जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेंगे, इसके वजह से MOSFET हिट नहीं होगा। ये है Z44 MOSFET जो इस इन्वर्टर के लिए बिल्कुल सही है, जो इस पर लगाएंगे। MOSFET के सोर्स और ड्रेन पिन में 4007 डायोड भी लगा दिया जो कॉइल फीडबैक फिल्टर करेंगे, और फाइनली CD4047 IC भी आपको लगाना पड़ेगा, जिससे दो 57 ओम्स रेजिस्टर के थ्रू MOSFET के गेट में सिग्नल एंटर होगा। और ये 1 मेग वेरिएबल रेजिस्टर है जो IC से कितने हर सिग्नल आउट होने वाला है वो इस रेजिस्टर से एडजस्ट करना होगा। मैं अपना सारे सोल्डर खत्म कर लिया, ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। चलिए इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, ये 220 वोल्ट का बल्ब ग्लो हो गया, और इसमें 10 वाट लोड देने के बाद ये 0.78 एम्प करंट लोड ले रहा है। इसका मतलब अगर आप 12 वोल्ट 5 एम्पियर बैटरी से ये चलाए तो 6 आवर्स 41 मिनट कंटिन्यू ग्लो होगा, जिससे बहुत ही कम पावर लॉस होने वाला है, और इसके MOSFET बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन भी एनेबल कर दीजिए।